दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, आपने YouTube पे बहुत सारी वीडियो देखी होगी जिसमें बेटियों के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी और अच्छी अच्छी योजनाएं बताई जाती हैं। दोस्तों, बेटियों के लिए योजनाएं आती रहती हैं और वो आनी भी चाहिए, लेकिन हमारे जो कई दर्शक हैं जो हमारे चैनल पर लगातार विजिट करते हैं, वो हमसे सवाल भी करते हैं कि सिर्फ ये योजनाएं बेटियों के लिए ही क्यों आती है, क्या ऐसी कोई योजना नहीं है जो बेटों के लिए भी हो, तो हमें उनके बारे में बताइए। तो इस वीडियो में मैं आपको यही एक योजना बताऊंगा जिसमें आप बेटा या बेटी, आपके घर में कोई भी हो, आप दोनों ही सूरत में इसका लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि होता क्या है, चाहे हमारे घर में बेटी हो या बेटा हो, उनके पालन पोषण में लगभग बराबर का ही खर्चा होता है उनके पालन पोषण के अंदर, और उनके विवाह के लिए भी हम जितना खर्चा करते हैं तो दोनों के ही विवाह में लगभग बराबर पैसे खर्च किए जाते हैं। तो ऐसे में अगर सिर्फ बेटियों के लिए ही योजनाएं आती रहेंगी तो बेटों वालों को भी थोड़ा लगता है कि उनके लिए योजना कब आएंगी। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही एक स्कीम बताऊंगा जिसमें अगर आपके घर में बेटा है या बेटी है, आप दोनों ही सूरत में इसका लाभ ले सकेंगे। तो ये योजना है LIC की, एक नई योजना आई है और इसका नाम है विवाह बंदोबस्त प्लान, और इस योजना को आप दोनों ही सूरत में ले सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इसमें देखिए, जब भी आप अपने बेटा या बेटी की शादी करेंगे तो आप उसके लिए इस योजना को ले सकते हैं, और उनकी शादी के वक्त आपको 25 लाख रुपए का यहाँ पर लाभ मिलेगा। तो 25 लाख रुपए जो है वो बहुत ही बड़ी रकम होती है। अगर आप अपने बेटा बेटी के लिए प्लान लेना चाहते हैं तो आप इस प्लान को ले सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी आपको आपके नज़दीकी किसी भी LIC एजेंट से पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी, क्योंकि हम कोई LIC एजेंट नहीं है, हम तो आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं, क्योंकि कई जानकारियाँ ऐसी आती हैं जिसका हमें पता ही नहीं चलता, तो हमने सोचा कि इसके लिए हम आपको ये जानकारी दें। तो अब बात करते हैं इसमें आपको करना क्या है, कैसे आपको 25 लाख का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, आपको इसमें हर साल, या मान लीजिए आपको हर महीने इसमें 4000 रुपये जमा करने पड़ेंगे। अगर आप सरल शब्दों में इसको देखें तो आपको एक दिन के 130 रुपये बचाने हैं। अगर आप एक दिन के 130 रुपये बचाएंगे तो आप साल के 46000 रुपये LIC में जमा करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने एक साल में 46000 रुपये जमा करे तो उसी साल, हर साल मतलब, LIC भी आपके खाते में 67000 रुपये जमा करेगी। ध्यान दीजिए दोस्तों, आप यहां पर सिर्फ एक साल के 46000 रुपये जमा कर रहे हैं और LIC हर साल आपके खाते में 67000 रुपये जमा करेगी, मतलब आपके खाते में एक साल में लगभग 113000 रुपये जमा होंगे। दोस्तों, आपने सिर्फ 46000 रुपये जमा करे हैं हर साल, लेकिन आपके खाते में जमा कितने हो रहे हैं, 113000 रुपये। तो आपको 22 साल में हर साल इतने पैसे आपके जमा होते रहेंगे, 22 साल तक इतना पैसा आपके जो LIC का ये योजना है इसके खाते में आपके जमा होते चले जाएंगे, और इस हिसाब से आपके रुपए जमा हो जाएंगे कितने, 24,86,000, ठीक है। ये आपके 22 साल में टोटल जो आपका पैसा होगा वो इतना जमा हो जाएगा, 24,86,000 रुपए। तो आपको 22 साल तक तो जमा करना है, उसके बाद 23 साल, 24 साल और 25 साल में आपको कुछ भी जमा नहीं करना, ठीक है। आपको 3 साल तक कुछ भी जमा नहीं करना, लेकिन LIC आपके खाते में पैसे जमा करती रहेगी इन तीनों सालों में भी। आपको सिर्फ 22 साल तक जमा करना है, उसके बाद आपके जो भी पैसे हैं वो आपकी LIC जमा करती रहेगी, और आपके खाते में जैसे 25 साल हो जाएंगे तो 25 साल बाद आपके खाते में जो कुल राशि होगी वो होगी 26,87,000 रुपये। जी हाँ, 26,87,000 रुपये 25 साल बाद आपको मिल जाएंगे। जब भी आप अपने बेटे या बेटी की शादी करेंगे तो आपको 26,87,000 रुपए आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो योजना है वो बेटा या बेटी दोनों के लिए है, और इसका एक जो लाभ है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति इसको, इस पॉलिसी को ले रहा है अपना बेटी या बेटी के लिए, ठीक है, और उस व्यक्ति की अगर दुर्घटनावश निधन हो जाता है या किसी कारणवश उनका निधन हो जाता है, तो LIC उनको 20 लाख रुपए तुरंत देगी। जी, 20 लाख रुपए उन्हें तुरंत देगी। अगर किसी दुर्घटना के कारण से उनका निधन हो जाता है तो 20 लाख रुपए देगी। अगर सामान्य स्थिति में, मान लीजिए किसी सामान्य कारण से अगर उनका निधन हो जाता है, तो उसके परिवार वालों को 10 लाख रुपए देगी LIC, और उसके बाद 25 साल जो उनके बचे हुए सालों में LIC आपके खाते में पैसे भी जमा करती रहेगी, और प्लस जो आपके 46,000 रुपये जो आपको जमा करने थे हर साल, वो भी LIC ही खुद भरती रहेगी। और बेटी की शिक्षा के लिए, आपके बेटा बेटी जो भी, उनकी शिक्षा के लिए भी हर साल 1 लाख रुपये भी देती रहेगी। तो दोस्तों, बहुत ही देखिए कितनी इस पे आपको डिटेल मैं आपको फिर से बता देता हूँ। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति इस योजना को ले रहा है, अगर उसका दुर्घटना से, किसी दुर्घटना के कारण उनका निधन हो जाता है, तो उन्हें LIC की तरफ से उसी वक्त 20 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। अगर सामान्य स्थिति में निधन होता है तो उनको 10 लाख रुपए दे दिए जाएंगे, और उसके बाद 25 साल जो आगे के बचे हुए हैं, जो भी साल उनके बचे होंगे,
LIC सारा पैसा खुद ही अपनी तरफ से किस्त जमा करती रहेगी और प्लस बेटी या बेटे की शादी के लिए वे भी देती रहेगी परिवार वालों को। और 25 साल बाद जो पैसे आपके जमा है 26,87,000 रुपए, वो भी आपको यहाँ से मिलेगी। तो ये पूरी जानकारी थी जो मैंने आपको ये बताई। आप इसकी पूरी अच्छी तरह से जानकारी ले लीजिए, अपने आसपास किसी भी मौजूद LIC एजेंट से आप संपर्क कीजिए और इस योजना को आप लीजिए। अगर आप 130 रुपए डेली के बचा सकते हैं तो इस योजना को आप लीजिए। चाहे आपके घर में बेटा या बेटी कोई भी है तो आप इसका लाभ पा सकते हैं। तो दोस्तों ये एक जानकारी थी कि अपने बेटा या बेटी के विवाह बंदोबस्त के लिए आप किस तरह से 25 लाख रुपए का लाभ पा सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों परिवार के साथ भी इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, या आपकी स्क्रीन के ऊपर सब्सक्राइब के लाल निशान के ऊपर टच करके और उसके बाद घंटे के निशान पर जरूर टच कीजिए ताकि आपको हमारी बनाई हुई नई नई वीडियो लगातार मिलती रहें। ये बिल्कुल फ्री होता है और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।